हरियाणा प्रदेश में आगामी 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील के साथ साथ लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम भी युद्ध स्तर पर छेड़ रखा है। एक ओर जहां लोकसभा उम्मीदवार अपने क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं, वहीं उनके कार्यकर्ता भी अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान में डटे हुए हैं। इसी कड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल के कुरुक्षेत्र महिला विंग जिला अध्यक्षा तनुजा ने थानेसर हल्के के गांव खेड़ी रामनगर में अभियान चलाकर लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में अवगत करवाया। वहीं उनसे लोकसभा प्रत्याशी चौधरी अभय सिंह चौटाला के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। इनेलो महिला विंग जिलाध्यक्ष तनुजा ने कहा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला कमेरे वर्ग की लड़ाई के लिए लगातार संघर्षरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवीन जिंदल को मजबूरी में चुनाव लड़वाया जा रहा है। तनुजा ने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन है, इसी कारण हरियाणा का युवा जमीन बेचकर विदेश जा रहा है। युवा किसान इस सरकार से दुखी है, मंडियों में फसल बिक नहीं रही, एमएसपी मिल नहीं रही। सरकार एमएसपी पर लेने की बजाय नमी के नाम पर किसानों को ठगने का काम कर रही है। तनुजा ने कहा कि आपकी वोट सत्ता परिवर्तन का काम कर सकती है। उन्होंने कहा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसान, मजदूर, कमेरे व गरीब की आवाज को बुलंद करते हुए अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की लहर चल रही है, निश्चित रूप से प्रदेश में इनेलो पार्टी की सरकार बनेगी।